बैटरी एंड ईएमएफ। बैटरी का नाम सुना है? हाँ सर। कैपेसिटर में देखा भी होगा। हाँ सर। यस सर। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? वोल्टेज डिफरेंस है। क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज डिफरेंस है। और कोई? बोलो। सर फिर से पूछेंगे क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये? बैटरी जो फोर्स लगाता है लाइक टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। किसको? लाइक मिनिमल जो फोर्स, मिनिमल वोल्टेज जो रहता है वो बैटरी जो प्रोवाइड करता है। और कोई? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। चलो, स्कूल में बचपन में वो बहुत टाइप के सेल्स वगैरह देखा था, बैटरी था ना, कौन कौन सा ड्राई सेल, लैग्रैंज सेल, पता नहीं क्या क्या रहता था। बैटरी का काम है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ या ना? अब ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? तो किसी भी बैटरी क्या कोई तो रिएक्शन होता रहेगा, तो हीट या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तुम्हें याद होगा किसी भी बैटरी में क्या होता था, एक इलेक्ट्रोलाइट होता था। उस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक को कैथोड कहते थे, एक को एनोड कहते थे, है ना? फिर उसमें वो रेस्पेक्टिव आयन होता था जो कैथोड एनोड कहीं मतलब इधर उधर डिपॉजिट होता था। याद है कुछ ऐसा? यस। तो देखो जैसे क्या रहते हैं, सपोज हर बैटरी की कहानी मोर और लेस यही होती थी कि यहाँ केमिकल्स है, ये केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इलेक्ट्रोलाइट रेस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक होता था। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोराइड ऐसा कुछ। याद है? इसके जो पॉजिटिव आयन्स हैं, इसके जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो किधर जाते थे, कैथोड पर या एनोड पर? एनोड पर।
तो पॉजिटिव आयन का फ्लो ऐसे होता था, इधर से इधर डिपॉजिट करता था, और नेगेटिव आयन का फ्लो इधर होता था, इधर से इधर डिपॉजिट करता था। यही कहानी होती थी। यस तो क्या होता था, ऐसा बैटरी जब किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको जोड़ देते थे, जैसे ये बैटरी है, और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मान लो जोड़ देते थे, तो ये बैटरी पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो इसके अंदर करंट का फ्लो ऐसे होता था। हाँ। तो अगर हम इस बैटरी को देखें, तो यही मेरा बैटरी है। इस बैटरी में ध्यान से देखोगे तो बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इधर से इधर, सर्किट में इधर से इधर, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस पॉइंट को जोड़े हैं ये हायर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव टर्मिनल से जो जोड़े हैं वो लोअर पोटेंशियल होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बैटरी के बाहर करंट का फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, और बैटरी के अंदर लोअर टू हायर पोटेंशियल हो रहा है, देखो है ना। तो पहली चीज, फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। व्हाइल इनसाइड बैटरी इट इज लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये बात एक समझ आई। यस। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लोअर से हायर पोटेंशियल पर ले जाना होगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल फ्लो कराना है तो बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। यस यस। बैटरी को उस चार्ज पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ। उस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, समझ आया। वो जो फोर्स है वही फोर्स आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के में आई मीन वर्क होता है ना, जैसे कैसे समझाओ रुको, सो वर्क करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, वर्क डन ऐसे समझो, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब दूसरा पार्ट, जैसा मैंने कहा कि बैटरी के अंदर, अब इस बैटरी के अंदर ध्यान से देखोगे तो चार्ज का फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल हो रहा है, और बैटरी के आयन जो डिसोसिएट हो रहे हैं उसको अगर ध्यान से देखोगे तो वो उल्टा जा रहा है, समझा कुछ? नहीं नहीं डायग्राम ऊपर चला गया इसलिए यहाँ नीचे एक और बना देता, सब ध्यान से देखे एक मिनट। सर्किट में करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, हो रहा है ना? अब इसमें इलेक्ट्रोड्स में जो रेस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस या कुछ भी, तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये इधर डिपॉजिट होगा एनोड पर, और ये जो नेगेटिव आयन है वो इधर डिपॉजिट होगा कैथोड पर, होगा? आयन भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, है ना? तो अब देखो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर एक तो ये करंट आई जा रहा है जो सर्किट में है, और बैटरी के अंदर साथ ही साथ इस आयन के मूवमेंट की वजह से एक करंट इधर भी होगा, ओके। तो बैटरी के अंदर या इस सर्किट में जो नेट करंट है वो एक्चुअल में जो करंट, ये वाला जो बड़ा वाला आई करंट है उसको ये छोटा वाला आई करंट अपोज करेगा, आयन के साइज बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साइज छोटे होते हैं, तो आयन के मोशन की वजह से, जैसे ऊपर वाला जो बड़ा वाला है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना? इसका रीजन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये है फ्लो ऑफ आयन की वजह से। तो ये फ्लो ऑफ आयन्स जो हो गए, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आया और नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर गया, मतलब इधर ही है, तो ये वाला करंट इस करंट को अपोज करता है, इसकी वजह से बैटरी के क्रॉस जितना ईएमएफ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए वो उसके ईएमएफ से कम होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग, इसकी वजह से जो हिंड्रेंस होता है आयन के फ्लो की वजह से, उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको अगर हम अकाउंट कर लें अपने कैलकुलेशन में तो ये एक रेजिस्टेंस होगा जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कहते हैं। तो किसी भी बैटरी में
बैटरी का एक ईएमएफ वैल्यू होता है और बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। ये दोनों मिलाकर जो बना ये आपका बैटरी है। ठीक है, आपने क्या बोला मिलाकर? तो डायग्राम में ई के साथ ये जो छोटा सा आर दिख रहा है, ये दोनों डायग्राम मिलाकर जो बॉक्स के अंदर है, इस पूरे को हम बैटरी कहते हैं। बैटरी का मतलब केवल ईएमएफ नहीं होता है। आई बात समझ में? बैटरी मीन्स ईएमएफ प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में? सर एक बार वो थोड़ा बता सकते हो कि दोनों ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते थे? लगाया नहीं रेजिस्टेंस, ये अच्छा ऑटोमेटिक जो डेवलप हो रहा है वो वाला, तो उसके अंदर बैटरी के अंदर आयन के मोशन की वजह से मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों को कंसीडर करें तो मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जिसकी वजह से बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए और जो ईएमएफ है, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस बात को, तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऊपर तो लिखना बाद में, 2 मिनट देखो। सो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है देखो। ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी है और ये बैटरी का ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों मिलाकर एक बैटरी बन गया मेरा। ये बैटरी का पॉइंट ए और ये बैटरी का पॉइंट बी। इस बैटरी में करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है ऐसे। देखना ध्यान से, बहुत काम की चीज है। बैटरी का ईएमएफ है ई। अब देखो पोटेंशियल एट बी, यहां से शुरू करेंगे अगर, तो माइनस आई आर करंट आई फ्लो हो रहा है प्लस ई, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए होगा। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में जो करते थे, बोलो सर माइनस ही नहीं होना चाहिए, नेगेटिव से जा रहा है। अच्छा आगे चल, पोटेंशियल एट बी हो गया ये, हायर टू लोअर, तो इसमें से आई आर डिक्रीज हो गया तो वी बी माइनस आई आर यहाँ हो गया, फिर इसमें ई एड हो गया लोअर टू हायर तो प्लस ई, हम आ गया पोटेंशियल एट ए तक। तो यहाँ से आपको दिख रहा है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज ई माइनस आई आर। तो ई एम एफ वैल्यू जितना है उससे कम मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज ई माइनस आई आर। ठीक है,
अब यही ऐसे सोचो, यही बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये किसी भी सर्किट का पॉइंट है, बाकी ए बी से कनेक्टेड होगा। और अगर करंट इधर जा रहा है मान लो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए माइनस ई माइनस आई आर इज पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये हो जाएगा ई प्लस आई आर। हाँ सर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी मेरा ई प्लस आई आर हो जाएगा। यस सर। तो ये जो पहला वाला कहानी है ऊपर वाला, उसमें क्या है, बैटरी से काम हो रहा है। हाँ। और इसमें बैटरी के ऊपर कोई और बैटरी होगा कहीं कुछ, जिस जो इसमें करंट इधर फ्लो करा रहा है। यस सर। केस टू को हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो बैटरी जब खुद चार्जिंग के कंडीशन में है, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ, और इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी जब डिस्चार्जिंग के कंडीशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन दैट ऑफ द बैटरी। आया समझ में? और बुक में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी का नहीं लिखा हुआ है, मतलब आइडियल बैटरी है, तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो क्वेश्चन में अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है तो आइडियल बैटरी है। तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो उसमें वी इज ऑलवेज इक्वल टू ई। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर। बोलो, कैसे मालूम करें कौन सा लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा और कौन सा हायर पोटेंशियल रेजिस्टेंस के लिए? क्या रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ने वो कैसे डिसाइड किया कि कौन सा हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट रहेगा और कौन सा लोअर? करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है हमेशा, दुनिया इधर से उधर हो जाए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन किधर है उससे डिपेंड कर जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस का पॉइंट हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। समझ आया? तो एक काम करो, पूरा नहीं दिखेगा तो पहले, चलो पहले यही तक कर लो इतना। सर हम लोग जूम करके देख लेंगे। चलो पहले इतना तो कर लो।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ। हो गया सर। हाँ सर इतना हो गया। हो गया यहाँ तक? हाँ आगे बढ़े। यस छूट कीजिए। ये थोड़ा और ऊपर कौन डायग्राम आता दिख रहा है। दिख रहा है यार डायग्राम सर, ऊपर का लूप नहीं दिख रहा। हाँ सर दिख रहा है।
हुआ सबका? फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, एक सेकंड। नहीं सर बाकी। हाँ सर हो गया सबका। आगे बढ़ूं सर? दो मिनट। हो गया सर? हो गया। हाँ सर जल्दी से एक आध क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे सिंपलेस्ट दिख रहा है सबको? 14 वोल्ट। हाँ सर। एकदम आसान है? हाँ सर। दूसरा ये करो, सेकेंड वाला भी दिख रहा है? हाँ सर। और थर्ड एक ये भी करो। फर्स्ट वाला तो सबको आ गया होगा 14 वोल्ट। हाँ सर। VA माइनस IR माइनस E इज VB है ना? So VA minus VB is E plus IR. So 14 volt. इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर। सेकेंड और थर्ड इसमें थोड़ा टाइम ले सकते हो, बट करो कुछ से, मैं नहीं बताऊंगा।
सेकंड का आंसर आया नहीं सर, नहीं आया सर, जीरो होगा क्या? नहीं, चलो सेकंड दिखाता हूं फिर थर्ड देखना। सब ध्यान से देखो, कहीं से शुरू करो, मान लो यहां से स्टार्ट किया। इसके पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं डी को, ठीक है? तो सी का हो गया 20 वोल्ट, बी सेम पोटेंशियल पर तो बी का हो गया जीरो होगा, ए का हो गया 10 वोल्ट, हुआ? यस। तो ये जीरो ये 10, मतलब करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसमें करंट इधर होगा, हाँ। कितना होगा 10/2 5 एम्पियर, यस। ये 20 ये जीरो, मतलब इसमें करंट इधर होगा, यस 4 हो जाएगा, कितना 4 एम्पियर, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 एम्पियर करंट इधर गया 4 एम्पियर, इधर हाँ। गया 1 एम्पियर, यस सर, और फिर इधर आ गया 5 एम्पियर, हाँ सर। हर सेक्शन में समझ आ गया? तो हमसे बीडी में पूछा है, तो आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर फ्रॉम डी टू बी डायरेक्शन भी अगर पूछे तो। आया समझ में सबको कि नहीं? हाँ सर समझ। सर बी और डी तो सेम पोटेंशियल पे है ना, तो फिर करंट क्यों फ्लो होगा? अरे तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया के किसी वायर में करंट ही नहीं फ्लो होना चाहिए फिर तो। सर वो 1 एम्पियर वाला नहीं समझा। नहीं समझा क्या? नहीं समझा तो वो 1 क्यों हुआ ऐसा? हाँ सर। ए टू डी में 5 होगा ये समझा? हाँ सर। अच्छा, सी टू बी में 4 होगा ये समझा? हाँ अभी समझ गया। वो भी समझ गया, वाह बताइए। तो यहां से जो 5 आया, इसमें से इधर अगर 4 गया तो इधर जरूर 1 जाएगा, हाँ बोलिए। कौन था? डी टू बी में करंट नहीं फ्लो करेगा, क्यों नहीं करेगा करंट फ्लो? सर मुझे लगा कि पोटेंशियल सेम है दोनों का, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं, रेजिस्टेंस जीरो है तो और ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है। कंडक्टिंग वायर में करंट का फ्लो मतलब नहीं, क्यों नहीं होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो और अगर बीच में रेजिस्टेंस हो तब करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं समझे? ये जो आपके दिमाग में है कि सेम पोटेंशियल से करंट फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो और अगर बीच में रेजिस्टेंस हो तब फ्लो नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस नहीं है तब तो करेगा फ्लो। यही अगर बी और डी के बीच रेजिस्टेंस होता और किसी कारणवश बी और डी का पोटेंशियल सेम होता, अब उधर से कोई करंट नहीं जाएगा। समझ आया? ओके सर। चलिए जल्दी कीजिए, थर्ड वाला खुद से करो, एक खुद से करो फिर मजा आ जाएगा।
नहीं आया सर। नहीं आया, कोशिश सर एक मिनट रुको ना, एक मिनट। अब नहीं, बहुत हो गया। हाँ सर हो गया। क्या है बताओ, कुछ आया सर? ईडी में 25 रहेगा और फिर एफसी में 20 रहेगा, तो फिर बीसी में 5 रहेगा, क्योंकि सॉरी 5 नहीं 45 रहेगा, और जीबी में 30 रहेगा, फिर एचजी में 15 एम्पियर रहेगा, और वो 15 और वो 30 नीचे आके 45 बनेगा। वेरी गुड, शायद सही हो। देखो कहीं से स्टार्ट कर लो, ये जो 1 ओम 2 ओम 2 ओम दिख रहा है ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस है ना? यस yes, तो ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम 2 ओम 2 ओम। पॉइंट ए का पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, तो ये जीरो, ये 10 होगा, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये 10 तो ये भी 10, सेम वायर है। हाँ। ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अब देखो ये 10 है और ये 30 है, मतलब यहां पर 40 वोल्ट हो गया। हाँ। यहां पर ये 10 है तो ये कितना हो गया? 30। ये 40 वोल्ट है ना? हाँ। तो यहाँ -30 हुआ। हाँ, -30। क्योंकि -30 में 40 ऐड करेंगे तो +10 होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, ये जीरो है तो देखो रुक जाओ, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कहीं भी बना सकते हैं, राइट लेफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ही बना देते हैं। तो ये जीरो है, ये 50 है, मतलब ये पॉइंट कितना हो गया? -40। तो ये हो गया -40 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नहीं। अब देखो ये जीरो है और ये 40 है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट इधर होगा, होगा हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाँ। तो 40 माइनस जीरो 40/1, ये 40 एम्पियर होगा। हाँ। अच्छा, इसमें ये जीरो है, ये -30 है, तो इसमें करंट ऐसा होगा। हाँ। और कितना होगा? तो जीरो माइनस माइनस 30, दैट इज 30/2, 15 एम्पियर होगा। हाँ, ये जीरो है और ये 40 है, -40 मतलब डिफरेंस 40 का 40/2, ये करंट 20 एम्पियर होगा और डायरेक्शन किधर? इधर होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? सर 15 और 20 का कैलकुलेशन एक बार वापस बताओ ना।
क्या बताऊं, बोलो बोलो। सी का पोटेंशियल जीरो है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का -30, तो हायर पोटेंशियल कौन हुआ? जीरो हुआ। यस सर। तो जीरो और -30 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 30। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ohms। तो 30/2 कितना हुआ? 15। समझ गया सर। जीरो और -40 का डिफरेंस कितना हुआ? 40। रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो 40/2 कितना हुआ? 20। ठीक है। सो फाइनली उस छोटा सा डायग्राम में गचपच हो जाएगा, इसके लिए अलग से बनाता हूँ। फाइनल आंसर क्या होगा मेरा? ऐसा होगा, देखो फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा, सब ब्लू कलर या रेड कलर लेता हूँ। यहां से करंट फ्लो किया 40 एम्पियर। इस 40 में से इधर कितना गया? 25। 25 इधर गया। इस 25 में से इसमें कितना गया? 15 गया है। 15 एम्पियर गया और 40 में से 25 इधर आया, 15 इधर गया, 10 इधर गया। हाँ है ना, 10 ही होगा ना। ऊपर कितना था देख लो, देखने दो मुझे। 15 और 20 था। ओके ओके 15 एक मिनट। तो इसका मतलब ये 25 नहीं होगा, ये कितना होगा अभी देख लेते हैं। तो ये 15 इधर गया और 20 इधर गया, ये अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। हाँ। अच्छा, तो 15 और 20 मिला के 35, मतलब हाँ। ये 35 एम्पियर होगा जंक्शन रूल बराबर। 40 में से ये 35 होगा, मतलब ये 5 होगा। हाँ। मतलब ये 5 एम्पियर इधर गया। तो ये 5 एम्पियर ठीक है, इधर से आओ, ये 20, मतलब ये 20 एम्पियर। हाँ। ये 20 एम्पियर है ना। हाँ। और ये 15 इधर से आया और 20 इधर से आया, दोनों मिला के 35 एम्पियर। 35 इधर से, 5 इधर से, दोनों मिला के 40 एम्पियर इधर। एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। पक्का? आगे बढ़े? सही। हुआ कुछ? आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर। ये दिख रहा है? हाँ। जल्दी कोशिश कीजिए।
आया आंसर फोर्थ का? बोलो, सुन रहे हो? यस। आया आंसर फोर्थ का? आया कुछ नहीं आया किसी को? एक सेकंड, चलो एक सेकंड सर। पोटेंशियल एट पॉइंट ए चाहिए, मान लो एक्स है, ठीक है, फाइव बाई थ्री है क्या? देखते हैं, मान लो ये एक्स है, अब ये एक्स है और ये थर्टी है, मुझे नहीं पता एक्स थर्टी से ज्यादा है कम है क्या है, कोई एक डायरेक्शन ले लो। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट लूं, इसका नाम दे देता हूं I1, इस डायरेक्शन में करंट का नाम दे देता हूं I2, इस डायरेक्शन में करंट का नाम दे देता हूं I3, और इस डायरेक्शन में करंट का नाम दे देता हूं I4। तो so, I1 प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर मिलाकर जीरो होगा, हाँ या ना, ये बताओ केवल। हाँ सर, हो गया, होगा। हाँ सर, इतना। अच्छा, तो आई वन को मैं क्या लिखूंगा, हायर टू लोअर, सो माइनस थर्टी माइनस एक्स अपॉन वन लिखूंगा। हाँ। प्लस आई टू को क्या लिखूंगा, तो ये माइनस फिफ्टी है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, माइनस माइनस फोर्टी फाइव, माइनस फोर्टी फाइव, तो ये करंट कितना हो जाएगा, माइनस फोर्टी फाइव माइनस एक्स अपॉन टू प्लस आई थ्री, आई थ्री है, ये x है, तो ये पॉइंट x माइनस फिफ्टीन होगा, तो इस करंट को हम लिख सकते हैं कि ट्वेंटी माइनस x प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू। बोलो, माइनस थर्टी माइनस माइनस, ये एक्स है, तो ये वाला पॉइंट
एक्स माइनस 20 होगा। हाँ सर। तो ये करंट को लिख सकते हैं हम टेन माइनस एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 30 माइनस एक्स माइनस 45 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 35 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 30 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। हाँ सर। तो इधर देखो माइनस 45 बाई 2 और प्लस 35 बाई 2 दोनों मिला के माइनस 5 बाई 2 प्लस 30 माइनस 30 जाएगा। हाँ। तो ये दोनों मिला के हो गया माइनस 5 बाई 2 सर। खाली माइनस 5 सिर्फ माइनस 5 क्या क्या सिर्फ माइनस सिर्फ माइनस 10 बाई 2 तो माइनस 5। और ये हो गया माइनस एक्स ये मिला के माइनस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। हाँ, x इज इक्वल टू 5 बाई 3 वोल्ट। आया था ऐसा कुछ आंसर किसी को? किसी ने बोला था शायद इसलिए पूछा मैं। आया था? हाँ सर। हाँ आया समझ में? हाँ सर समझ। ठीक है चलो कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़ू? यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। एक मिनट सर। फिर माइनस 5 बाय 3 होगा। हाँ सर लिख लिया। सर वो माइनस 5 बाय 3 होगा ना? हाँ सर माइनस 5 बाय 3 होगा। ये दो क्वेश्चन करो और ये दोनों हर आदमी खुद से करो। ये इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये दोनों हो जाना चाहिए।
आया कुछ फिफ्थ सिक्स में से? एक मिनट से कोई भी बोलो दोनों में से कोई एक फिफ्थ देखो इसको मान लें इसको भी जीरो इसको भी जीरो तो ये हो गया मेरा ट्वेंटी ये हो गया टेन वोल्ट ये हो गया फाइव वोल्ट हो गया ऐसा करना चाहिए था तुम लोगों को इसको x मान लिया तो ये x और x हो जाएगा फिर आया कोई एक डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में ये करंट मान लो इसमें ये मान लो इसमें ये मान लो तो इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए यस सर तो i1 प्लस i2 प्लस आई थ्री जीरो होना चाहिए सो फाइव माइनस एक्स अपॉन टू प्लस टेन माइनस एक्स अपॉन टू प्लस ट्वेंटी माइनस एक्स अपॉन टू दिस इज इक्वल टू जीरो तो थर्टी फाइव माइनस थ्री एक्स इज जीरो यही हुआ ना So, x is 35 by 3. तो i1, i2, i3 सब मिल जाएगा I1 35 by 3, 35 minus 15, 20, minus 20 by 6, that is minus 10 by 3 ampere. Hoga? I2 minus 5 by 6 ampere. I3 25 by 6 ampere plus one. तो जो जो माइनस है इसका मतलब साइन अपोजिट है डायरेक्शन करंट का समझ आया कुछ मैं क्या किया हाँ आया था आंसर किसी को ये नहीं सर गलत हो गया नेक्स्ट करो सिक्स
सिक्स्थ का आया आंसर बोलो सिक्स्थ हुआ ओ भाई साहब मैंने पूछा सिक्स हुआ ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये सब एक ही पॉइंट है ये मतलब ये फोर वोल्ट है इस पॉइंट का नहीं मालूम तो इसको एक्स मान लेते हैं ये जीरो है तो ये माइनस टू हुआ है ना ये पॉइंट एक्स माइनस फोर हुआ ये पॉइंट एक्स माइनस टू हुआ हुआ ऐसा बोलो यस सर इसमें करंट मान लो आई वन इसमें करंट मान लो आई टू इसमें करंट मान लो आई थ्री इसमें करंट मान लो आई फोर तो इसमें भी ऐसे आई फोर हो जाएगा है ना या इसका भी डायरेक्शन उधर ही कर दो टू और डायरेक्शन रुक जाओ तो सबका सम जीरो करने में आसानी रहेगी इस आई फोर को भी इधर मान लो कि ये है आई फोर तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर मिला के जीरो होगा हाँ हाँ आई वन को क्या लिखेंगे फोर माइनस एक्स बाई टू आई टू को टू माइनस एक्स बाई फोर लिखेंगे हाँ सर आई थ्री को माइनस टू माइनस एक्स बाई फोर हाँ I4 को 4 माइनस एक्स बाई टू लिखेंगे हाँ तो सॉल्व कर दो हो जाएगा सो 4 LCM ले लो 2 टू जा 4 तो 8 माइनस 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस एट माइनस टू एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया ऐसा तो प्लस टू माइनस टू गया एट और एट सिक्सटीन ये एट और ये एट सिक्सटीन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो So x is 16 by 6, that is 8 by 3 volt. X मिल गया? Yes sir. मिल गया तो I1, I2, I3 सब मिल जाएगा? Yes. कोई doubt?
आई फोर क्या था, फोर माइनस एक्स बाई टू, मिल जाएगा सारी वैल्यू। हाँ तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री एम्पियर शायद, माइनस वन बाई थ्री है सर, आई थी ये भी एक टू बाई थ्री एम्पियर, एक वन बाई ट्वेल्व और एक माइनस वन, माइनस वन बाई ट्वेल्व I2 minus I2 minus 1 by 7 by 6 1 by 6 आ रहा है सर, माइनस 1 by 3 होगा सर, I2 पक्का? हां 6 आएगा सर, माइनस 1 by 6 आ रहा है सर। हां बराबर तुम लोग को एडिशन सर, सच्ची सर माइनस 1 by 6 आ रहा है, देख लेते हैं लोग, 2 माइनस एक्स है, एक 16 बाई 6 है, तो 6 टू जा 12, 12 माइनस 16 माइनस 4, माइनस 4 बाई माइनस 1 बाई 3 दिख रहा है मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ 1 बाई 3 आएगा, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 आएगा, हाँ वही माइनस 1 बाई 3, 3 टू जा 6 नहीं सर, 2 टू टू जा 4 माइनस 1 बाई 6 माइनस सेवन बाय सिक्स, माइनस सेवन बाय सिक्स, माइनस सेवन बाय सिक्स, हाँ सर, हाँ आया समझ में सबको? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर मुझको एक डाउट था। बोलो। जो I3 वाला वायर है उसमें हम लोग वो 2 वोल्ट्स के पास X प्लस 2 नहीं लिख सकते क्या? क्या I3 वाला जो वायर है 6th क्वेश्चन में उसमें माइनस 2 लिखा है, उसको X प्लस 2 नहीं लिख सकते, ये माइनस ऑफ X प्लस 2 जैसे बाकी को X माइनस 4 वैसा लिखा है। तुम्हें कैसे पता कि ये जो 4 ओम है I3 वाले में और उधर X है तो यहाँ से X माइनस 2 कैसे होगा? ये 0 है, बीच में बैटरी 2 का है तो ऊपर X माइनस 2 होगा, ऊपर माइनस 2 होगा, उस साइड से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो बिना करंट को जाने हुए? अच्छा ठीक है सर, करंट जब तक पता नहीं है तब तक रेजिस्टेंस के साइड से आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? ठीक है सर, थैंक यू, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर बोलो सर, आपको वैल्यूज कैसे मिला आपको 4 माइनस एक्स, वो सब एक और बार समझा सकते हो? एक्स माइनस 4 होना चाहिए ना, किधर से किधर जा रहा है? 0 से तो 4 एक्स की तरफ, 0 से एक्स माइनस 4 की तरफ जा रहा है ना? हाँ
तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा ओके हाँ है ना, समझ गया। तो बस कन्वीनियंस के लिए लिया ना वैसे। क्या कन्वीनियंस क्या है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर जीरो है करंट अगर उधर जा रहा है, मतलब हायर जीरो और लोअर एक्स माइनस फोर, तो जीरो माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन टू। चमका कुछ सर, लेकिन हमें कैसे पता कि एक्स माइनस फोर जीरो से कम है? नहीं मालूम ना, वो आई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब हमने जो लिया है वो सही है, सब कुछ मालूम ही रहेगा तो ढूंढोगे क्या? सब कुछ पता ही रहेगा तो ढूंढेंगे क्या? नहीं मालूम है तो हमने सब में करंट का डायरेक्शन उधर ले लिया, जिस जिसमें पॉजिटिव आया वो सब में सही है, जिस जिसमें नेगेटिव आया उसका उल्टा होगा। तो जीरो अगर एक्स माइनस फोर से छोटा होगा तो अपने आप आई वन की वैल्यू माइनस आ जाएगी। ओके हाँ, तो वो जो करंट का डायरेक्शन है वो हमने अज्यूम किया ना, हमने अज्यूम किया पहले से, सब कुछ पता ही होगा। तो हमें करंट ढूंढना है, फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच, हमें ढूंढना है। तो हमें ढूंढना है और मालूम नहीं है तो अज्यूम करके ही ढूंढेंगे ना। हाँ सर अभी समझा। सर बोलो, फिर वो जो आई थ्री है वो माइनस टू बाय फोर होगा ना? क्या आई थ्री नहीं समझा? नहीं वो समझ गया मैं, वो बाद में रेजिस्टेंस समझ गया।